गुड़िया के स्कूल के लिए बना लिया पनीर की सब्जी एकदम मलाई वाली, तो यहाँ पर मैंने टिफिन में रख भी दी। तो ये है पराठा, और पता है एक पराठे को भी रोती है तो मैं दो टुकड़े कर देती हूँ उसके, अगर खाएगी तो ठीक। फ्रूट में मैंने प्लम दे दिए इसके लिए। तो आज प्रियम की शिविंग पार्टी, तो इसीलिए ये रखना पड़ेगा मुझे। चलो प्रियम का बैग पैक कर देते हैं। उठ चुके हैं, गुड़िया स्कूल जा चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 8:15 और नींद अभी भी लग रही है, रात में नींद नहीं हो पाती इसलिए। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे। और आप सबकी सुनीता फिर से आ गई एक न्यू ब्लॉग लेके और आप सबका स्वागत है। तो मैंने रात लगाया था तेल, इसलिए मैं आपके सामने चलूँ, क्योंकि तेल बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, क्योंकि बाल इतना ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। छोटी मतलब बड़ी गुड़िया के भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा वाले, तो फिर मन दुखी सा हो। तो चलो आज के ब्लॉग में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। और ये ना हम बोल रहे लाओ हमें दे दो, लाओ हमें दे दो, लाओ। तो ये हमें दे नहीं रही, हम इतनी देर से कह रहे हैं पहना दे। पता है तेल लगाओ सिर में तो क्या होता है, पूरा चिपचिपा रहता है शरीर। मैं कल हेयर वॉश करूँगी, मैंने कल लगाया था और कल हेयर वॉश करूँगी, ठीक है ना। डुगू आ जा, बिस्किट दूँ तुझे। डुगू बहुत काम है मुझे आज वैसे, और गुड़िया हमारी बहुत ज़्यादा कभी कभी ऐसी बात बोलती है बड़ी गुड़िया। मैंने बोला एक दिन में तुम इतने जूते गंदे कर लेती हो, तो कहती मम्मा आप आराम से धो देना, घर ही तो रहते हो आप, मैं तो स्कूल भी जाती हूँ, बड़ा ज़्यादा बोलती है। और क्या बोल रही थी, भूल गई मैं यार, याद नहीं रहा, बस बहुत बोलती है, तब मैं बोलूँगी आप लोगों को। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो कभी कभी लगता है चलो छोड़ो बच्ची है कोई बात नहीं। आज मुझे थोड़े से काजू फ्राई करने, पाउडर वाउडर बनाने के लिए बादाम फ्राई करने हैं। ये वाली बिस्किट खाएगा बच्चा, लो अभी फाड़ लोगी, लो हम फाड़ दे, निकल गई काल, अच्छी लगेगी पता नहीं आपको, दीदी को तो बहुत पसंद है बेटा, खाओ 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 जल्दी से खाओ। अरे खाली खाली दुकू ना, तो सबको कर दो, राधे 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 राधे। अच्छा छोरी मांग लो, आपने गलती की थी, छोरी छोरी मांग लो बेटा। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, चाय पीऊँगी, मैंने पराठा खा लिया थोड़ा सा पनीर के साथ, पनीर बनाया था नाल गुड़िया के लिए। बिग बॉस में फाइनली मैं पहुंची, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो पहुंचा, जिसकी उम्मीद वो आउट हो गया यार, दुख हो गया ना। चलो कोई बात नहीं, किस्मत तो भाई अच्छा खेलने के ऊपर भी होता है। बिग बॉस का किसी को तो समझ में भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था पहले, अब चीज़ें समझ आने लगी, मैं बड़ी हो गई हूँ ना, बुढ़ापा आ गया, बड़ी हो गई, अच्छी है। चलो खा लो, फिर मैं चलते हैं सामान लेके, उनको सबको रखना है डिब्बों में रख दो ना, फिर आसानी होती है सामान निकालने की, इसलिए मुझे लगता है सब सामान अच्छे से लगा दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और खाने भी मुझे रोस्ट करने हैं बच्चे के लिए, सब कुछ बच्चे के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। तो यहाँ पे ये सब्जी बनाई थी ना मैंने पनीर की, तो इसको रख लेते हैं टिफिन में और कढ़ाई को धो लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई से ही होगा जो भी काम हुआ। और दोपहर में बनाने मुझे चावल, अभी तो खा लिया पराठा, बहुत आधा, कोई आधा पराठा खाता है कोई कितना खाता है, बस हो गया ब्रेकफास्ट। तो कढ़ाई धो ली मैंने, सूखने का वेट करते हैं। और सबसे पहले करूंगी रोस्ट मूंगफली के दाने,
इसको देख के बड़ी गुड़िया इतना ज्यादा खुश हो गई, मम्मा मेरी फेवरेट है ये तो, मतलब चॉकलेट ही है ना, तो बहुत खुश हो गई। तब इसके उसके लिए क्या है ना, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट के लिए हो गया, सुबह हम बच्चे रोटी नहीं खाते ना, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिब्बों में लगा दी। क्या होता है ना, डिब्बों में अच्छे से लगा दो तो बनाने में भी टाइम कम लगता है एंड ढूंढने में भी टाइम कम लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ों को अच्छे से क्रीम से लगा दूँ, और जो भी बनाने का जब टाइम आता है ना, तो फिर आसानी से आराम से टाइम की बचत हो जाती है और फटाफट बन जाता है और दिख भी जाता है क्या बनाना है। मेरा हमेशा यही रहता है, मैं हमेशा एक दिन पहले या दो एक घंटे पहले सोचती हूँ कि क्या बनाना है। तो क्या होता है, बच्चे का ब्रेकफास्ट का भी सुबह के लिए भी सोच के रखती हूँ, शाम का शाम से ही, मतलब लंच का भी शाम से ही सोच के रखती हूँ। जैसे बुढ़िया से पूछ लेती हूँ कभी कभी, कभी चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर हम खुद से ही मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि फिर उससे क्या होता है, आपका ब्रेकफास्ट या लंच बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगा दी हैं, बच्चों को जैसे कुछ रोस्ट करके भी रखनी है, और इस डिब्बे में मैंने पास्ता रखा था ना, फिर ये छोटा है तो बीच में आ गया था फ़ोन, मैं फ़ोन सुनने लगी, तो यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे मैं बनाऊँगी। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग पे बने रहिएगा। फ्राई हो गई और ओट्स भी फ्राई हो गए, चने तो भुने हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम काजू को भी फ्राई पे कर रही हूँ मैं मखाना फ्राई पर। मखाने इसने लिए हैं इसने ज़्यादा, क्योंकि आधे मुझे फ्राई करके डिब्बे में स्टोर करके रखने हैं इसलिए। तो आज मैं क्या बना रही हूँ, आप लोग वीडियो कंटिन्यू बने रहिएगा। मैं बना रही हूँ प्रोटीन पाउडर, घर पर आराम से बना सकते हो आप कुछ चीज़ों से। तो यहाँ पर मैं अच्छे से हल्की धीमी आँच पर मखाना कर रही हूँ फ्राई। इसमें से थोड़े मखाने डालूँगी पाउडर में, और बकाया नमक और घी के भून के डिब्बे में रख दूँ, जिससे मेरी छोटी बुढ़िया बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। मैंने हलवा भी बना लिया एकदम मस्त वाला सूजी का। क्या बब्बू खाओ? मेरा प्रोटीन पाउडर एकदम स्टोर करके रख लिया है मैंने, और बहुत अच्छे से ही पिस गया था मस्त मिक्सी में। और आप भी इस तरीके से बना के बच्चों के लिए दे सकते हैं, काफ़ी हेल्दी और यूजफुल चीज़ है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से मैंने थोड़ा सा इसमें बॉर्नविटा ऐड कर दिया, जिससे बच्चे को अच्छा लगे, एंड इसमें एक चम्मच ये वाला पाउडर डाल दिया, और एक महीने तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब भी नहीं होगा, एक से दो महीने तक आराम से चल जाएगा ये। तो इस तरीक़ा से गुनगुना दूध हो या ठंडा जैसा आपका बच्चा पीता हो, उस तरीक़ा से आप दे सकते हैं। बहुत ईजी से ये बन के रेडी हो जाता है। दो तीन चीज़ें ऐड करी हैं मैंने, ज़्यादा नहीं, करने को तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट मैंने दो तीन चीज़ें ही ऐड की हैं।